भारतीय रेलवे ने ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर के एक आंकड़ा पेश किया है। इस आंकड़े की माने तो भारतीय रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 166 साल बाद ट्रेन एक्सीडेंट से एक भी मौत नहीं हुई है। भारतीय रेलवे ने साल 2020 के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि जनवरी से लेकर के जून के महीने तक देश में ट्रेन दुर्घटना से एक भी पैसेंजर की मौत नहीं हुई है। इसके साथ ही साल 2019 से 2020 में रेलवे ने अब तक 5181 किलोमीटर की पुरानी पटरी को नया रूप देने का काम किया है, जो कि रेलवे के लिए एक रिकॉर्ड है। रेलवे के मुताबिक इस दौरान 1367 पुलों का रिनोवेशन का काम भी हुआ है। रेलवे का दावा है कि 166 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब काफी लंबे समय के बीच किसी पैसेंजर की ट्रेन एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई है। इस दौरान रेलवे ने बड़ी संख्या में मानव युक्त रेलवे क्रॉसिंग को हटाने, रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज का निर्माण करना, पुलों का जीर्णोद्धार करने सहित कई पटरियों की नवीकरण का भी काम किया है। 5 महीनों में रेलवे ने रिकॉर्ड बनाते हुए 1274 मानव युक्त रेलवे क्रॉसिंग को हटाया है। ये संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी है। रेलवे नेटवर्क पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए साल 2019-20 में कुल 1309 रेलवे ओवरब्रिज और RUB यानी कि रेल अंडरब्रिज का निर्माण किया है। साल 2019-20 के दौरान 1367 पुलों का रिनोवेशन किया गया है, जबकि पिछले साल 1013 पुलों का रिनोवेशन किया गया था। साल 2019-20 में 5181 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक का नवीनीकरण किया गया है, तो साल 2018-19 में सिर्फ 4265 किलोमीटर के ट्रैक का नवीनीकरण किया गया था। इस दौरान सेल की तरफ से 13.8 लाख टन रेल पटरियों की आपूर्ति की गई। इस बड़ी सफलता पर इंडियन रेलवे का कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में एक भी यात्री की मौत नहीं हुई है, यानी भारतीय रेलवे ने 166 साल के इतिहास में साल 2019-20 में 0 पैसेंजर डेथ का गवाह बना है। अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं मोदी सरकार के कार्यकाल में रेलवे के कुछ बड़े हादसों पर। पहला 19 अक्टूबर 2018 को अमृतसर में दशहरे के दिन हुए एक बड़े रेल हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तब रेल ट्रैक पर खड़े लोग रावण दहन देख रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रेन के चपेट में आने से 61 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में कुल 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दूसरा 4 मई 2014 को तब महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कोंकण रेलवे रूट पर एक यात्री सवारी गाड़ी का इंजन और 6 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 124 लोग घायल हुए थे। तीसरा 20 नवंबर 2016 को तब कानपुर के पुखराया में इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इसमें 150 लोगों की मौत हो गई थी और 260 लोग घायल हुए थे। चौथा 26 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में गोरखधाम एक्सप्रेस ने एक मालगाड़ी को उसी ट्रैक पर टक्कर मार दी थी। इस हादसे में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई थी। ये दुर्घटना चूरेन रेलवे स्टेशन के पास हुई थी। रेलवे के इस दावे को आप कितना जायज़ मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।